नमस्ते, मैं विजयानंद शर्मा एसडीएम मालेगांव बात कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं मालेगांव शहर के सभी जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनको रमजान की मैं मुबारक देता हूँ। रमजान यह मुस्लिम धर्म में काफी पवित्र त्योहार माना जाता है, पर हमारी शहर की जो हालत है काफी खराब है। हम सबको पता है अभी तक मालेगांव शहर से 126 कोरोना पेशेंट मिले हैं और यह पेशेंट की संख्या और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है। कल 24 अप्रैल से हमने मालेगांव शहर में नए कर्फ्यू ऑर्डर्स लगा दिए थे, जिसके तहत मुस्लिम भाइयों को खजूर, फ्रूट्स, इन चीजों को यह चीजें खरीदी करने के लिए और बेकरी प्रोडक्ट्स ये चीजें खरीदी करने के लिए उन्हें शाम को सुबह 6 बजे से लेकर तो शाम को 5 बजे तक का समय दिया गया था। पर आज रमजान महीने का पहला दिन था और शहर की जो हालत थी वो अच्छी नहीं थी। शाम को 5 बजे के बाद भी कुछ लोगों ने कानून तोड़कर रास्ते के ऊपर काफी भीड़ की हुई थी। फल की जो गाड़ियां लगाई हुई थी वहां पे भी काफी भीड़ थी। यह बात शहर के स्वास्थ्य के लिए निश्चित तौर पर काफी गलत रहेगा, काफी बुरा असर यह डालेगा, इसलिए हमें कुछ सख्त कदम उठाना पड़ रहे हैं। कल से मालेगांव शहर में जो फल की जो बिक्री होगी, जो फल बेचे जाएंगे, वह सिर्फ और सिर्फ हाथगाड़ी के ऊपर घूमकर ही बेचे जाएंगे, ना कि वो एक जगह पे दुकान लगाकर बेचना होगा। दूसरी बात, शाम के 5 बजे के बाद किसी भी तरह से कोई शॉप चालू नहीं रहेगा। फल का शॉप चालू नहीं रहेगा, खजूर का शॉप चालू नहीं रहेगा या बेकरी शॉप चालू नहीं रहेगा, किसी भी तौर पे यह शुरू नहीं रहेगा। जो भी कोई नागरिक इस बात का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम मजबूरी से उठाना पड़ रहा है क्योंकि शहर की हालात काफी खराब है। हम सबके स्वास्थ्य के लिए घर में बैठना काफी जरूरी है और मैं सभी मालेगांव शहर के नागरिक से, भाई लोगों से मैं दरखास्त करता हूं कि घर में बैठिए। हमें पता है कि यह त्योहार काफी महत्वपूर्ण रखता है, पर जान है तो जहान है। हम जल्दी ही इस बीमारी के ऊपर काबू पा लेंगे तो अगले साल हम अच्छे से यह त्योहार मना पाएंगे, पर आज हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। कल शाम को 5 बजे के बाद कोई भी रास्ते के ऊपर नहीं दिखाई देगा। वैसे देखा जाए तो ये जो कर्फ्यू के ऑर्डर्स है इसमें सिर्फ इसेंशियल सर्विस के लिए ही बाहर निकल पाते हैं। आप मेडिकल है, हॉस्पिटल है, इस वजह से तुम सिर्फ बाहर निकल सकते हो, पर आज जो दिखाई दिया वो काफी खराब माहौल था। कल से यह चीज अगर दिखाई देती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।